Hello, 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 hello. बेसिकली मैं सबको ये बता दूं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, बेसिकली सबको मैं बता दूं कि ये लाइव स्ट्रीम मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं पहले 15 मिनट के लिए, क्योंकि किसी का भी कुछ मिस ना हो, ठीक है? अगर आप लाइव स्ट्रीम एंड्रॉयड के ऊपर सेट नहीं किए हो तो हो सकता है आपका सब कुछ मिस हो जाएगा। तो मैं पहले 15 मिनट के लाइव स्ट्रीम में सिर्फ इसलिए डाल के रखा हूं क्योंकि किसी का कुछ भी मिस ना हो। फॉर दैट पर्पज आई एम जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है? ये मैं आपको अपफ्रंट बोल दूं पहले ही, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा, तो बाद में ये मत बोलना सर मिस हो गया करके, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रीमिंग लाइव, कि पहले 15 मिनट में आपने क्या करना है, आज पहला ही लाइव स्ट्रीम है, ये समझाने के लिए मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। सिर्फ मैं लाइव स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूं एंड्रॉइड के ऊपर। एंड्रॉइड के ऊपर लाइव स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूं, और आपको लाइव स्ट्रीम किस तरीके से देखनी है सबको पता है। आपने एंड्रॉइड का एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मेंशन किया था, एंड्रॉइड में एप्लीकेशन ओपन करना है, आपके लैपटॉप पे एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे यहां पे एंड्रॉइड में एप्लीकेशन ओपन करते से ही आपको ये तीन चीजें दिखेगी, इसलिए मैं पहले 15 मिनट में लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं। तो आपको ये पहले तीन चीजें दिखेगी, जिसके अंदर आपको लाइव स्ट्रीम का एक फोल्डर दिखेगा, लाइव या लाइव स्ट्रीम का फोल्डर दिखेगा। आपने उस फोल्डर के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है? आपने उस फोल्डर के अंदर एंट्री करनी है लाइव स्ट्रीम का, और वहां पे लाइव स्ट्रीम करके ऑप्शन आएगा। जब आप फोल्डर के अंदर एंट्री करोगे तो यहां पे देखिए ऑप्शन में जब खोलूंगा, हाँ ये जो ऑप्शन आप खोलोगे ऊपर से तीन डॉट में से, तो वहां लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपने आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, जैसे मैं भी लाइव स्ट्रीम में आपके साथ चैट रूम में ज्वाइन हो रहा हूं तो मैं भी डाल रहा हूं। और वहां पे आपने आपका पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपने सिर्फ एक बार लॉगिन करना है। लॉगिन के ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक करना है, मल्टीपल टाइम्स लॉगिन के ऊपर क्लिक मत करना, वो लॉगिन ऑटोमेटिक ले लेगा। वहां फिर चेक लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा नीचे, और फिर उसके बाद ज्वाइन लाइव स्ट्रीम व्हाइट हो जाएगा नीचे, तो आपने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है। मेरा देखिए, मैं फोन के ऊपर लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहा हूं, मेरा लाइव स्ट्रीम तो ज्वाइन हो रहा है, तो आपने भी ये ट्राई करना है कि आपका लाइव स्ट्रीम ठीक तरीके से ज्वाइन हो। तो ये पहले 15 मिनट के लिए ही लेक्चर नंबर 15 में लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं यूट्यूब पे, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैंने प्ले कर लिया, नाउ दिस इज द ओनली थिंग जो प्ले हो रही है। तो मैं ही खुद को दिखा रहा हूं, यही डबल रोल हो गया, ये देखो पहला रोल ये दूसरा रोल, ठीक है? तो मुझे लाइव स्ट्रीम दिख रहा है, जैसे ही लाइव स्ट्रीम दिखेगा ऊपर चैट का ऑप्शन रहेगा चैट रूम का, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो चैट रूम शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर अब लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो गया है निवेश, तो उसको मैं हाय बोल दूंगा। सो एवरीबॉडी इज हाय जो लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन हुए हैं। अब जितने लोग लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं लेक्चर शुरू करूंगा। 2 मिनट में आपको मैक्स दे रहा हूं, 10:10 पे आज आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। हाय निवेश नगर, ठीक है, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर ज्वाइन किया है। हाय कुलदीप हनुमंत, कितने लोग हैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर? चैतन्य चांडक, हाय बेटा। ओके, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकता है, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता कि भाई लाइव स्ट्रीम के अंदर कितना इश्यू हो सकता है, तो मेरे को कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लाइव स्ट्रीम सिर्फ 10 मिनट के लिए अवेलेबल है। लैपटॉप के लिए बेटा, कल मैंने सेटअप करने के लिए कहा था ना, लैपटॉप के ऊपर आपको लाइव का एप्लीकेशन शुरू करना है एंड्रॉइड वाला, और उसके अंदर ऑप्शन में चेक करना है लाइव स्ट्रीम, ठीक है? कि क्षितिजा लैपटॉप के ऊपर मुश्किल है बताना, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर तो मैं लेक्चर रेंडर कर रहा हूं, उसी लैपटॉप के ऊपर पढ़ा रहा हूं, तो उसके ऊपर सेटअप नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है? तो जैसे ही आप लैपटॉप के अंदर इंस्टॉलेशन करो तो आपने उसको सेटअप करना है, ठीक है? फटाफट फटाफट स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। हाय निमेश नगर, राघव कौन है? अच्छा राघव,
यस बेटा राघव, आपकी चैट विजिबल है, डोंट वरी। हाय अनुश्री, हाय अनुश, हाय राघव, हाय यशिका, हाय चैतन्या, हाय कुलदीप, हाय निवेश, सबकी चैट विजिबल है। नंबर नहीं दिखता है क्या लाइव स्ट्रीम के ऊपर, कितने लोग है करके? है भगवान, कैसे पैसे पता, पैसे का पता चलेगा गरीब आदमी को कि कितने लोग उसको लाइव देख रहे हैं? चलेगा क्षितिज, आज मैं YouTube पे आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, तो आज आप ये ट्राई कीजिए कि पहले आज का लेक्चर तो ठीक है आपको बैकअप में मिल जाएगा, आप टेक्निकल टीम को ट्राई कर ये करके एनी डेस्क लीजिए और एनी डेस्क से आप खुद का स्ट्रीम सेट करवा लीजिए। कल मैंने जो टेक्निकल के नंबर दिए थे उनको आप कॉल कीजिए, ठीक है? उसके बाद ही आपको सेटअप करते आएगा। ये टेक्निकल के नंबर कल मैंने लिख के दिए थे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो लाइव स्ट्रीम के लिए, वो आपको सेटअप करके दे देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो खुद के तरफ से पहले पूरा ट्राई करना, ठीक है? सो फटाफट फटाफट उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। चलो डन। ओके, सो यूट्यूब का स्ट्रीम मैं कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच बेटा। मौक्तिक, टेक्निकल टीम सेटअप करके दे देगा, सो डोंट वरी। काफी सारे लोगों के उन्होंने सेटअप करके दिया, आपका भी करके देगा, उनको सिर्फ कॉल कीजिए, एनी डेस्क लेंगे वो आपका और सेटअप करके देंगे। तो मैं यूट्यूब का ये लाइव स्ट्रीम आपका कट कर रहा हूँ, ठीक है? और अभी हम हमारे लाइव स्ट्रीम के बैच के साथ में शुरू करेंगे, जितने भी रूम लोग अवेलेबल है उनके साथ में, ठीक है ना? चलेगा अंशु, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोग हैं अपन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। थोड़ी देर तक ये लेक्चर में ऑन रखता हूं यूट्यूब पे, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद कट कर दूंगा। पहली बात तो अभी तक हमने जो जो भी पढ़ा है उस सब चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि बीच में 1-2 दिन का गैप गया है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में कोई भी जागती हो, तो पहले जितना भी पढ़ा हमने उसको आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? मुझे दोनों चैट्स के अंदर इसके ये चाहिए, रिप्लाई चाहिए, और मैं तभी समझूंगा कि आपने वो सब रिवाइज किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय लॉ, तो मुझे एक बात बताना, लॉ कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड होता है? लॉ कैसे बनाया जाता है? अपने आप ही लॉ बनाया जाता है या सिचुएशन बेस्ड लॉ होता है? फटाफट चैट के अंदर बोलना मुझे। चलो बहुत बढ़िया, सिचुएशन बेस्ड लॉ होता है। दूसरी चीज, लॉ कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है? तो चार फैक्टर्स मैंने बोले थे, सबसे पहला सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा इथिक्स। उसके अंदर सेफ्टी और बेनिफिट ये आपको लिखना पड़ता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और इथिक्स जो है ये आपका अज्यूम्ड होता है हर लॉ के अंदर। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सब लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एंड इथिक्स, बहुत ही बढ़िया। ये चीज होने के बाद में अगली चीज हमने देखी थी कि भैया सेफ्टी और बेनिफिट में से इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ये इथिक्स तो अज्यूम्ड है। फिर हम गए थे प्रोसेस टू पास द लॉ में। प्रोसेस टू पास द लॉ में सबसे पहले तो हमको जानना था कि लॉ पास करने का पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 444 आर्टिकल है, जिसमें से मुझे आप बता सकते हो कौन से आर्टिकल में पावर दिया है लॉ पास करने का? चैट के अंदर बताइए। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, 245 आर्टिकल नंबर के अंदर बताया है, और 7th शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 246 के हिसाब से पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जिसमें कितने कैटेगरीज ऑफ लॉ है? फटाफट मुझे चैट के अंदर बताइए कितने कैटेगरीज ऑफ लॉ है। बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 3 कैटेगरी के लॉ है, यूनियन लॉ, स्टेट लॉ और कॉन्करेंट लॉ। यूनियन लॉ के अंदर कितने एंट्रीज है? 97 एंट्रीज। स्टेट लॉ के अंदर कितने एंट्रीज है? दैट इज 66 एंट्रीज। एंड कॉन्करेंट लॉ में कितने एंट्रीज है? 47 एंट्रीज। बहुत ही बढ़िया, जो लोग आंसर दे रहे हैं चैट ग्रुप में, बहुत ही बढ़िया। ये होने के बाद में हम अगली चीज के ऊपर गए थे, हमने देखा था प्रोसेस टू पास द लॉ। एक होता है सेंट्रल प्रोसेस, एक स्टेट प्रोसेस। सेंट्रल में कॉन्करेंट और सेंट्रल लॉ पास होगा, स्टेट प्रोसेस से स्टेट लॉ पास होगा। सबसे पहले ड्राफ्टिंग, फिर इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट के अंदर, रीडिंग, फिर उसके बाद में पब्लिक के कमेंट्स, फिर उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी पासिंग, फिर वापस से आ जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर, जहां पे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। लोकसभा इज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज अ अपर हाउस। क्लियर है कांसेप्ट? लोकसभा में 545 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स, मेजोरिटी वोटिंग चाहिए। फिर जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, रामनाथ कोविंद जी, उनके पास वेटो पावर है, वो लॉ को पास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एरिया सेक्शन से लॉ को फिनिश करेगा। स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के अंदर लोग, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, फिर जाएगा गवर्नर के पास में, और गवर्नर के बाद में नीचे जाएगा दैट इज स्टेट का लेजिस्लेचर से उसको पास किया जाएगा, डेट एरिया और नंबर ऑफ सेक्शन। ये चीज होने के बाद में मैं आगे बढ़ गया था, मैंने शुरू किया था जम्मू कश्मीर के थोड़े से हिस्ट्री के साथ में। जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री होने के बाद में मैंने शुरू किया था बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसके अंदर हमने सबसे पहली चीज जो की थी वो देखी थी कंपनी का डेफिनेशन, सस्ते नशे वाली डेफिनेशन। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है,
ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये काफी काम की चीज थी। यह होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे, कंपनी मीन्स अ कंपनी का डेफिनेशन 220 में है, प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन 267 में है। क्लियर है सर? फिर हमको कंपनी का डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो हमने तीन बाबा लोगों को बुलाया था, बाबा मार्शल, बाबा जेम्स, बाबा लिंडले। बाबा मार्शल, बाबा जेम्स तो काम के नहीं थे, बाबा लिंडले बहुत कुछ बोल के गए, सेक्शन 9 में 9 कैरेक्टर बोल के गए। एक बार सभी के सभी एक्शन कर लो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सेल, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कुछ याद रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम बढ़ गए थे, और अगली चीज, एक सेकंड होल्ड करना, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया का चिचा, रिकॉर्डिंग शुरू किया का चिचा ने, हाँ किया है, चलो बहुत बढ़िया। सो अगली चीज के ऊपर मैं गया था, वो थी कि भैया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके केस लॉस। तो हमने इनमें चार केसेस देखे थे, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, दूसरा ली किसने लिए, किसके लिए, नालायक लोगों अच्छा सोचो, किसने किसके लिए, नहीं तो कितने बेकार लोगों जिंदगी के अंदर, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया कंपेंसेशन मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है भले वो मेंबर क्यों ना रहे। फिर हमने देखा था ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग। और फिर हमने देखा था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉपर्टी का आप खुद के नाम पर नहीं ले सकते, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, शेयर होल्डर के अलग। और सभी कैरेक्टर हमने फिनिश अप कर दिए थे। फिर हम गए थे लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट बेल पे, क्योंकि कोई भी बंदे ने फ्रॉड किया और उसने बोल दिया कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन, उसको पिनलाइज करो, तो ये हो सकता नहीं है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल के लिए हमने 5 पॉइंट याद किए थे, कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। कंपनी इज अ वेल आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन, कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग, फ्रॉड लोचा किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटेड फ्रॉड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंपनी और द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, देन पिनलाइज देम, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसके लिए हमने बहुत सारे केसेस देखे थे, दिनशॉ मानिक जी पेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाला केस लॉ था, रेवेन्यू को एस्केप करने के लिए अगर आपने कंपनी बनाया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कीजिए। दूसरा केस हमने देखा था डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, अलाइन नहीं ढूंढने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कीजिए। उसके बाद में तीसरा केस देखा था जोन्स वर्सेस लिपमैन, फ्रॉड को रोकने के लिए, इंप्रॉपर कंडक्ट को रोकने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कीजिए, शाम उठाने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कीजिए। फिर हमने देखा था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जिसके अंदर हमने देखा था कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल ये किया जाता है फॉर सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स को देखने के लिए। फिर हमने देखा था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन, जिसके अंदर हमने देखा था पब्लिक पॉलिसी मतलब लाइसेंसिंग वगैरह देना है ट्रांसपोर्ट के, उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कीजिए। उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट केस लॉ, दैट इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, इनको लगाने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कीजिए। फिर हमने अगला केस देखा था एफजी फिल्म्स लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया एजेंसी करके वर्क कर रहा है किसी दूसरे कंपनी के लिए, आप जिस वो जो बैन है उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कीजिए। और एक केस मैंने आपको एडिशनली बताया था न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड करके, जिसके अंदर हमने, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने देखा था प्रमोटर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, ये आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करने के बाद ही समझ में आएगा। और फिर मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आई होप सो वो होमवर्क आपने बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। ठीक है, आज हम बढ़ रहे हैं आगे, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आगे बढ़ के देखें कि बेसिकली आज हमारा कौन सा कंटेंट शुरू है। ठीक है, मैं यूट्यूब वाला जो पिछले महीने ओडी लिया था, अब सिर्फ लाइव स्ट्रीम लिया है, आपका यहां से कोई ईमेल नहीं आया। लाइव स्ट्रीम लिया है बेटा, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मैंने लाइव स्ट्रीम लिया है, मेरे को कोई सीरियल की नहीं आई बेटा प्रद्युम्न, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सर इतना बार ट्राई किया टेक्निकल टीम एक बार भी नहीं उठा रही है। आप बेटा राहुल जो क्वेरी नंबर है उसके ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, तो हम टेक्निकल टीम को उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेरी नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे मैं यूट्यूब स्ट्रीम खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखना, यहां से हम सीधा का सीधा लाइव स्ट्रीम के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आई होप सो सबका लाइव स्ट्रीम सेट किया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर यूट्यूब वाले बच्चे, थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। एक बार तहा बेटा कांटेक्ट कीजिए वी स्मार्ट की टीम को, तभी जाके आपको वो भेजेंगे, या मेरे क्वेरी नंबर पे भेजिए, वो आपको इशू कर देंगे जो भी, या आपका इशू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।